सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 12 सितंबर 2019 थर्सडे, सुबह के 8:19 हो रहे हैं. जैसे कि आज थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो हो सकता है आज काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले. दो इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज होने वाले हैं, एक सीपीआई दूसरा आईआईपी. मार्केट आज के बाद होने वाले है रिलीज, इन्फ्लेशन का रेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रेट, तो काफी उथल पुथल हो सकता है मार्केट में. तो जो फ्रेशर्स है, न्यू कमर्स है, आज सिर्फ वेट एंड वॉच करें, देखें कि ऐसे दिन कैसे मार्केट मूव करता है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके टर्न आउट होता है, रिवर्स होता है ट्रेंड. तो काफी वोलेटाइल डे आज का हो सकता है. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 11 सितंबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,028 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,973. तो ये 10 मिनट का चार्ट है. जैसे कि आप देख रहे हैं कल निफ्टी ओपन हुआ और हमारा जैसे ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव्ड हुआ. सबसे पहले तो इसने इसी के पास, इसके नजदीक एकदम हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस किया, काफी लेवल एक्यूरेट हुआ. ये कई बार इसने कल इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ, और नीचे भी ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था. तो काफी कल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग था, काफी ज्यादा ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी. हालांकि फर्स्ट टारगेट के हिसाब से अगर कल ट्रेड करते तो अराउंड 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड होता तो 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक फिर से हरे निशान में बंद हुए. यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें थोड़ा सा एक कमी नजर आ रही है, थोड़े से टेंशन्स यहाँ पर कम हो सकते हैं ऐसा ही दिखाई दे रहा है. तो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो कल हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 191 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 125 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी 33 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, सिर्फ चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. तो आज के निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वीकली चार्ट से शुरू करेंगे फिर से एक बार. तो जैसे कि यहाँ पर ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर बना हुआ है, लास्ट कई सारे वीडियो से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं. सिक्स्थ वीक हो गए इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर 11,200 और नीचे 10,780 के पास ये इसका सपोर्ट बना हुआ है. ऊपर अगर इसे जाना है तो यहाँ पर ये जो हर्डल से अभी 50 EMA और ये 20 EMA इसे कम्प्लीटली ब्रेक करना होगा. इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव, यहाँ से कंटिन्यू एक रैली देखने को मिल सकता है. अभी यहाँ पर प्रीवियस वीक ये ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा कैंडलस्टिक बना था, जो कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है. कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनना होगा, और अभी इसके बाद ये जो अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये हर्डल से पहला तो 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है, जो भी एग्जैक्ट 50 EMA के पास आ रहा है, और उसके ऊपर 20 EMA भी है. तो इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर हमें डिसीजिव मूव अगर कोई आता है तो ही यहाँ से एक अपसाइड मूव की रैली हमें देखने को मिल सकती है. हालांकि और जैसे कि हम पैटर्न की बात करें, अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है. अभी कंप्लीट नहीं है, आज का ये वीक खत्म होना बाकी है. तो वीक खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है वो देखने लायक होगा. लास्ट टू वीडियोस में हमने इसे डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ये पैटर्न बन सकता है ऐसा प्रॉबेबिलिटी है. तो डेली चार्ट में चलते हैं. यह है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. अगर आप कल का ये कैंडल देखे तो फिर से 20 EMA के ऊपर दोजी बन गया है. अभी पास्ट में क्या हुआ था कुछ दिनों पहले,
जैसे 20 EMA के पास आता है, यहाँ से अपसाइड मूव आता है और 20 EMA के पास ये डोजी फॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक बना, फिर उसके बाद 20 EMA को ये जब टेस्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी फिर से एक बार शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना था कि लॉन्ग लेग यहाँ पर कैंडल बन रहा था। तीसरी बार भी ये डोजी बना, डोजी यानी ओपन और क्लोज, जहाँ पर एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम है और ऊपर और नीचे शैडो छोड़ देता है कैंडलस्टिक, तो उसे डोजी पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जब डोजी कैंडलस्टिक बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल का भी यहाँ पर एक सिग्नल होता है। तो अभी ये चौथी बार ऐसा सिग्नल मिला है 20 EMA के ऊपर, 20 EMA के ऊपर हमें डिसीजिव मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या यहाँ से फिर से एक बियरिशनेस देखने को मिलेगा, या फिर ये जो अपसाइड मूव आया है कंटिन्यूज हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, कंटिन्यू अपसाइड होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो फर्स्ट तो यहाँ पर 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि अराउंड 11,168 के पास है। तो ये एक हर्डल का काम कर सकता है 50 EMA, ये डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, वीकली चार्ट में 50 EMA 11,200 के पास आ रहा था, तो यहाँ पर ये इस हर्डल को इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा। यहाँ पर 100 EMA और ये 50 EMA इन दोनों के ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही यहाँ से हमें टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल डोजी कैंडलस्टिक है, इनडिसीजिव पैटर्न है, मतलब बुल्स और बियर्स में यहाँ पर फाइट चल रहा है। तो आज दो इकोनॉमिक डेटा का रिलीज भी होने वाला है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। सो ये है अभी डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं इसे 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल आर्ली चार्ट में अगर आप ये पैटर्न देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर अगर कल का हाई अगर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर क्विकली R1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है, तो 11,056 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा R2 का लेवल जो कि 11,077 है, और सेकेंड टारगेट होगा 11,099, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो S1 का ये जो लेवल है वहाँ पर ही कल का ऑलमोस्ट कल का ये लो भी वहाँ पर ही आ रहा है, तो 11,013 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है कंफर्टेबली तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA है वो एग्जैक्ट अभी फिलहाल S2 के पास आ रहा है, तो इसके थोड़ा जस्ट ऊपर ये 10,993 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,980, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।